और वो सभी मॉम्स की टेंशन रहती है कि रोज रोज बच्चों को लंच बॉक्स में ऐसा क्या दिया जाए जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। तो आपकी इसी टेंशन को दूर करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आज एक ऐसी रेसिपी जिसमें हेल्थ और टेस्ट दोनों है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इंडियन मॉम। सुबह का नाश्ता हो, शाम की चाय या बच्चों का लंच बॉक्स, आप इस डिश को कभी भी बना सकती हैं एंड आई एम श्योर कि आपको ये काफ़ी पसंद आएगी। तो मेरे कहने पर आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए एक प्याज मीडियम साइज का फाइनली चॉप्ड, उसके साथ ही मैं ले रही हूँ हाफ खीरा फाइनली चॉप, एक मीडियम साइज का टमाटर, इसे भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, एक हरी मिर्च मुझे एक बाउल लिया है मैंने, इसको अच्छे से छान लिया है। उसके बाद ये फ्रेश क्रीम हाफ बोल, इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए बीट कर लिया है। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ कुछ ब्रेड स्लाइसेस, आप चाहे तो मल्टीग्रेन ब्रेड या आटा ब्रेड भी यूज कर सकती हैं। सबसे पहले मैं एक साफ मिक्सिंग बाउल में अनियंस ऐड कर लूंगी, उसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ ये चॉप्ड क्यूकम्बर, इसके बाद ये फाइनली चॉप्ड टोमेटोस, फ्रेश हरा धनिया, ग्रीन चिली, और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सूजी जिसे मैंने छान कर थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, आप चाहे तो इसे ऐसे ही यूज कर सकती हैं। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेश मलाई, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च, इसके साथ ही इसे अच्छे से मिक्स कर लें क्योंकि हमने ग्रीन चिली पहले से इसमें ऐड की हुई है, तो लाल मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है, पर अभी भी हमारा जो बैटर है थोड़ा सा थिक है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा मिल्क ऐड करके एक स्मूथ बैटर बना सकती हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है नाश्ता बनाने के लिए। आप चाहें तो इन वेजिटेबल्स के अलावा कैरेट और कैप्सिकम भी यूज कर सकते हैं। आप इस रेसिपी में मलाई की जगह पर हाफ कर्ड और हाफ मलाई को मिक्स करके भी इसे बना सकती हैं। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही चाहिए, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा थिक, तो आप देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको अपने ब्रेड स्लाइसेस पर अप्लाई करना। तो इस तरह से हम ब्रेड स्लाइस लेकर उस पर इसे अच्छे से फैला लेंगे, इसके एजेस को भी अच्छे से कवर करना है हमें बैटर से, ताकि ये ब्रेड पर इवनली स्प्रेड हो जाए। इसी तरह से हम एक और ब्रेड पर भी अप्लाई कर लेते हैं। अपना नाश्ता बनाने के लिए मैंने पहले से ही अपने तवे को प्रीहीट कर लिया है, इसके लिए मैं नॉनस्टिक का यूज कर रही हूँ। इस पर मैं 1 टेबलस्पून ऑयल को स्प्रेड कर दूँ और अब इसको मीडियम फ्लेम पर रखते हुए मैं अपने स्लाइसेस को इस तरह से इसके ऊपर उल्टा करके रख दूंगी। आप चाहें तो इसे घी और बटर में भी बना सकती हैं। ये नाश्ता बनाना गाइस बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और काफी ज्यादा हेल्दी भी है क्योंकि ये नॉन फ्राइड है और इसमें ऑयल का यूज मैंने हार्डली 1 स्पून ही किया है। अब इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही पकने दें और इस स्पैटुला से इसको हल्के हल्के से इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छे से हम पका लेंगे, ताकि इसमें सब्जी और सूजी का हल्का सा भी कच्चापन ना रहे। हम अपने ब्रेड स्लाइस को इस तरह से फ्लिप कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये देखने में अभी से ही कितना अच्छा लग रहा है और इसमें बाहर से जो क्रिस्प आया है वो इसकी सूजी की वजह से है, लेकिन ये अंदर से उतना ही सॉफ्ट है क्योंकि हमने इसमें फ्रेश मलाई ऐड की है। चलिए अब हम इसकी दूसरी साइड को भी फ्लिप करके देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें आपको बार बार ऑयल ऐड करने की जरूरत नहीं है, देखिए यहाँ से भी अच्छे से पक चुका है। तो चलिए सर्व करते हैं अपना नाश्ता। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।